हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड क्रूजी में। तो फाइनली आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में फर्स्ट बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इनमें से चार ऑप्शन राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स। फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने दोस्त में भी शेयर करें ताकि दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, इनमें से चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त जो है वो बंगाल में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। इनमें से चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 66 नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। 66 का राइट आंसर आ जाएगा यूरोज हो जाए, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल में फर्स्ट पार्ट विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इनमें से चार ऑप्शन है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स आर्ड ट्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेम्स आर्ड ट्रम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इनमें से चार ऑप्शन है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक बार अपने दोस्त में भी शेयर करें ताकि दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। बिहार में 1857 के प्रमुख नायक कौन थे, ठीक है। बिहार में 1857 के प्रमुख नायक कौन थे, इनमें से चार ऑप्शन है। तो फाइनली इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो बिहार में 1857 के प्रमुख नायक थे, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक कुंवर सिंह थे, ठीक है, यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 1857 का विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1857 का विद्रोह जो है किस तिथि को शुरू हुआ था, इनमें से चार ऑप्शन है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई। कब हो जाएगा, 10 मई आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 1857 के विद्रोह को किसने क्रांति कहा, ठीक है। 1857 के विद्रोह को किसने क्रांति कहा है, इनमें से चार ऑप्शन है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को क्रांति कहा, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आपका एग्जाम में जो है ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो फाइनली इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर अली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीर अली आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए, कम से कम एक फ्रेंड को तो शेयर कर दीजिए। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, ठीक है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, इनमें से चार ऑप्शन है। तो फाइनली फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा हो जाएगा, ठीक है। वास्को डिगामा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, इनमें से चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, ठीक है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो फाइनली 75 का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। फोर्ट विलियम कोलकाता शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, ठीक है। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। सात द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की है, ठीक है। विक्टोरिया में टर्मिनल किस शैली की है, तो फाइनली इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नव गोथिक शैली, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, इनमें से चार ऑप्शन है, तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी, ठीक है, 1913 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, अंग्रेज़ों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी कब बनाया था, ठीक है, अंग्रेज़ों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी कब बनाया था, तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा 1835 को, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में है, ठीक है, सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में है, तो फाइनली राइट आंसर आप लोग बताइए, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास हो जाएगा, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, ठीक है, भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, इनमें से चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फाइनली फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है, तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी, ठीक है, उपाधि दी थी, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा केसरे हिंद, यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, इनमें से चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करके दोस्त में शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत।